हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के अंदर रिजल्ट डेट आपका कब तक आ जाएगा, इसके साथ साथ कब से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में यही कमेंट रहते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके साथ साथ हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हम इस एरिया से, हमारी ये कैटेगरी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के तमाम कमेंट आते हैं, तो मैंने क्या सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आप सभी के जितने भी डाउट है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वो सारे क्लियर हो सके। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, बाद में ये बताऊंगा कि कब से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। एकदम रियल और ऑथेंटिक यहाँ पर न्यूज है, मेरे को अभी अभी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां से खबर मिली है कि कब से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टेट की कट ऑफ यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि इतना नंबर अगर आपका बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। देख सकते हैं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है और हरियाणा से, यहाँ का कट ऑफ क्या है, ज्यादा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस स्टेट से है और अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो अगर आपका 126 से लेकर 131 के बीच में अगर नंबर बन रहा है तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यूआर के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और तीन राज्य से बिलोंग करते हैं तो 124 से लेकर 126 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है और इस तीनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, और 124 से लेकर 126 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर नंबर देख सकते हैं 114 से लेकर 119, यहाँ पर एससी एसटी 102 से लेकर 106 के बीच में। इसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेट है दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर आप यूआर कैटेगरी से है और ये तीन राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 116 से लेकर 121 नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, यूआर कैटेगरी है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और 114 से लेकर 116 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है, तो आपको फिजिकल तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, ओबीसी 113 से लेकर 116, एससी यहाँ पर 104 से लेकर 108 और यहाँ पर एसटी यहाँ पर 93 से लेकर 95। अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी मेरे हिसाब से आपको शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में आगे देखिए, अगर आप यहाँ पर झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन तीन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो 104 से 108 नंबर वाली अभी से फिजिकली तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 102 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, फिजिकली तैयारी शुरू कर दीजिए बिना समय बर्बाद किए। अगर ओबीसी कैटेगरी से 102 से 105 के बीच में नंबर बन रहे हैं, फिजिकल की तैयारी बेझिझक आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, तो यहां पर आप अपना नंबर देख सकते हैं, एससी 94 से 96, एसटी यहां पर 90 से 93। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में अगर यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी है और 93 से लेकर 96 नंबर आपका बन रहा है, फिजिकल की तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 90 से 92 इस बार का आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, फिजिकल की आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से है और 88 से लेकर 92 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में एससी कैटेगरी अगर 85 से लेकर 88 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। कौन से स्टेट? छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पंजाब। अगर एसटी कैटेगरी से 80 से लेकर 93 के बीच में नंबर बन रहे हैं और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिजिकल की तैयारी अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं कैंडिडेट, अगर आप यूआर से 72 से लेकर 75 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 70 से 72 के बीच में, ओबीसी यहाँ पर 65 से 68 के बीच में, एससी यहाँ पर 60 से 62 के बीच में और एसटी कैंडिडेट 55 से 60 के बीच में, जिन भी कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है, फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर फिजिकल कब से कंडक्ट करवा लिया जाएगा, इसके साथ साथ रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी भर्ती 2024 यहां पर अगर बात करें आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो फ्रेंड रिजल्ट यहां पर लगभग 28 से लेकर 30 अप्रैल तक
28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, अभी आज कितना तारीख हो गया, 20 अप्रैल हो गया है, तो लगभग इन 10 दिनों के अंदर कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभी से आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब यहां पर बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट का कि सर फिजिकल अगर यहां पर 28 से लेकर 30 को यहां पर अगर रिजल्ट आ रहा है तो हमारा फिजिकल कब से कंडक्ट होगा, तो फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं फिजिकल डेट, फिजिकल कब से कंडक्ट होगी, कितने दिन का आपको समय मिलने वाला है। तो फिजिकल आपको लगभग यहां पर 19 मई तक आपका एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इस डेट को आएगा, 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और यहां पर फिजिकल डेट की बात करें तो 19 मई, अब यहां पर लगभग आपके पास कितना समय बचा है, 20 दिनों के यहां पर आपके पास समय बचा है, 20 दिन का आपके पास समय बचा है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है 5 किलोमीटर रनिंग आसान रनिंग नहीं है। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में आपको क्लियर करना होता है और इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है, बहुत इजी रनिंग नहीं है। आप अपना जो ये भ्रम है ना अंदर का वो मिटा दीजिए, एक बार ग्राउंड में उतरिए, ग्राउंड की रिपोर्ट आप अपने आप परखिए कि हाँ हम ग्राउंड में जाने के बाद हमारी क्या टाइमिंग आ रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस डाउट के अंदर है कि यहां पर वो 5 किलोमीटर आसानी से क्लियर कर लेंगे, बस एक बार रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट का वेट मत कर दीजिए, जिन भी कैंडिडेट का मैंने अभी जो आपको बताया है स्कोर बताया है, अगर उतना नंबर बन रहा है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो 2023 के अंदर हुई थी उसमें भी यही हुआ था, फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और फिजिकल के लिए इतना ज्यादा समय नहीं मिला था, इस वजह से क्या हुआ था उनको यहां पर उनका फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया था, वैकेंसी खाली गई थी। तो फ्रेंड्स ये गलती आप नहीं करना चाहिए, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं होने वाला, फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए, 2025 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त के अंदर देखने को मिलेगा। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, सॉरी अपनी जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दीजिए। जो कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस वैकेंसी के, फालतू का समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अभी आप मान लीजिए लगभग आप आपका जैसे 4 से 5 नंबर से आप रह सकते हैं, आप अगर आपको लग रहा है तो क्या होगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप नॉर्मल मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको पूरी मदद करूंगा उस वैकेंसी को क्लियर करने के अंदर, क्योंकि मेरे आप सभी को बताया 2018 की वैकेंसी में मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और पेपर के अंदर मेरा 100 में से 91 नंबर था, सीआईएसएफ मेरे को 1 नंबर के ऊपर मिली थी, मैंने एसएसएफ 3 नंबर के ऊपर लगाई थी, अगर मैं एसएसएफ 1 नंबर पर लगाता तो मेरे को एसएसएफ आराम से मिल सकती थी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है फिजिकल की मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अभी से नई वैकेंसी की तैयारी कर दीजिए, और जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं वहां पर भी आपका आंसर देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।